छत्तीसगढ़ के रायपुर जगदलपुर शहर की पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि मामले के बारे में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया कि दो माह के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में 6 मोटरसाइकिल चोरी हुए थे। पुलिस की टीम ने हाट कचोरा निवासी अनूप नाग उर्फ छोटू 29 वर्ष एवं प्रवीर जान 28 वर्ष निवासी नगर नार को पकड़ा गया, जिसके पास से वाहन बरामद किया गया। आरोपी ने बताया कि 15 अप्रैल को राज होटल के सामने से CG-17 KM-1933, 17 अप्रैल को संजय बाजार से CG-17 KS-0531 एवं 18 मई को प्रतापगंज पारा से CG-17 KP-5856 कुम्हारपारा गोल बाजार आदि को चोरी करना स्वीकार किया। इन चोरों को पकड़ने में थाना कोतवाली प्रभारी धनंजय सिन्हा, उप निरीक्षक हीरालाल नाविक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देहियों की लगातार क्षेत्र में पता तलाश की जा रही थी और इसी तारतम्य में जो है कल दोपहर के पश्चात सूचना मिली कि पिछले दो माह में जो है शहर के अलग अलग क्षेत्र में जो चोरी हुई हैं उनके कुछ मोटरसाइकिलें जो है हाट कचोरा के जो निवासी हैं अनूप नाग उनके कब्जे में देखा गया है करके, तो इसके लिए फील्ड तैयार किया गया था और संजय बाजार आसपास के क्षेत्र में जो है कल अनूप नाग को घेराबंदी कर पकड़ा गया और इससे पूछताछ पर जो है उसने पिछले दो महीने में संजय बाजार प्रतापगंज पारा कुम्हार पारा मोती तालाब पारा क्षेत्रों में जो है 6 स्कूटी और मोटरसाइकिलों की चोरी की बात स्वीकार की और साथ में जो है इस मामले पे उसका एक अन्य साथी जो है प्रवीण जान जो नगरनाथ क्षेत्र का रहने वाला है उसके साथ मिलकर जो है इन्होंने उक्त 6 अपराधों को करना स्वीकार किया और इनके निशानदेही पर जो है हाट कचोरा में 3 मोटरसाइकिलें और नगरनाथ क्षेत्र में जो प्रवीण जान है उसके कब्जे में 3 मोटरसाइकिलें जो है बरामद की गई हैं और इन सभी मामलों में 4 मामलों पर जो है थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध था और इन मामलों पर जो है मोटरसाइकिल की जब्ती कर ली गई है और साथ में जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष 2 अन्य स्कूटी हैं जिनकी अभी वाहन स्वामी की जानकारी नहीं मिल पाई है या अभी रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके लिए जो जिले के अन्य थाने हैं उन थानों को मैसेज कर दिया गया है और ये जो अपराधी हैं ये इन मोटरसाइकिलों को उड़ीसा में बेचने की फिराक में थे। कितने मामले और वाहन चोरी के अभी लंबित है, ऐसे कितने मामले टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में रात्रि 12 बजे सूचना मिली कि एक तेज रफ्तार सफेद कार में लगभग 4-5 पशुधन को भर के गौ तस्करों द्वारा कट्टी पार के लिए ले जा रहे थे कि अचानक गाड़ी के पीछे की ओर का दरवाजा खुल जाने से 2 बैल गाड़ी से बाहर आ गिरे। वहीं बैलों के पैर पूरी तरह से बंधे थे जिसमें एक बैल मान होटल के सामने व एक लल्ला निवास के सामने गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार 140 की गति से चल रही थी जो कि ओवरब्रिज से होते हुए चिचोल बाग नदी की ओर भाग गए। वहीं कुछ गौ सेवकों द्वारा चिचोला मार्ग तक बाइक से कार का पीछा किया परंतु तस्कर पकड़ में नहीं आ पाए। पुलिस प्रशासन के थाना प्रभारी व स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचे व गौ सेवकों के द्वारा बैलों के पैर में बंधी रस्सी को खोलकर पानी पिलाया व प्राथमिक उपचार के बाद गौशाला में छोड़ा गया। प्रशासन द्वारा कहा गया कि CCTV फुटेज के माध्यम से देखा जाएगा। बड़ी संख्या में गौ भक्त एकत्र हो गए जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा समझाइश देकर भेजा गया। मुख्य रूप से समझने वाली बात यह है कि अब गौ तस्करी का कार्य बड़े पैमाने पे जारी है। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की ओर बड़ी ट्रकों के साथ साथ छोटे कार, जीप व पैदल गौ तस्करी की जा रही। यदि ऐसे कार्य करने वालों को पब्लिक पीटती है तो तस्करों के पक्ष लेते हुए हाहाकार मचा देते हैं। अब कहाँ है बड़ी बड़ी बात करने वाले और कुछ ऐसे लोग कार्य करने वालों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। हम लोग ग्रामर वगैरह एक भाई वो वहाँ गया बाग में अभी एक जन चिचोला पहुँच चुका है वहाँ चुका है। आगे पीछे गए हम लोग उसके पीछे करते गए गाड़ी ये भी तो गया था गाड़ी लेके। हाँ ये भी गया था भाई भी था पीछे। हाँ मेरे साथ आया भाई आगे पीछे हम लोग। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़। ग्राम केवतरा में अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 10 वर्ष पूर्व
ग्राम सभा में संपूर्ण अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। काफी तेजी से अभियान की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन जैसे ही कुछ प्रभावशाली लोगों की बारी आई अभियान बंद कर दिया गया। भेदभाव पूर्वक कार्यवाही से काफी आक्रोश था। निरीह और कमजोर लोगों के ऊपर की कार्यवाही हुई थी। पंचायत की राजनीति करने वालों ने इन 10 वर्षों में पट्टा दिलाने के नाम पर पीड़ित लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते रहे, लेकिन समाधान नहीं निकाल पाया। अधिकांश ग्रामीण एक बार फिर तहसीलदार साजा के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के समर्थन को देखते हुए इस बार अतिक्रमण मुक्त होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अब बारी प्रशासन की है कि वो ग्रामीणों की बात मानते हैं कि नहीं, तकनीकी रूप से कोई अड़चन नहीं है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के लायंस चौक के चांपा टीसी पैथोलॉब में पड़ा खाद्य एवं औषधि प्रशासन का छापा। चांपा टीसी पैथोलॉब खून के अवैध कारोबार की शिकायत पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापे में संचालित टीसी पैथोलॉब में छापा मार कार्यवाही। नई टीम के हाथ कोई प्रतिबंधित सामग्री नहीं लगी। विभाग की कार्रवाई से जिले के पैथोलॉब संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। टीम ने वहां से क्या कहा, जब तक किया इनका खुलासा नहीं किया। जब हमने अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो वे कुछ कहने में भी असमर्थ थे। आप सिर्फ डॉक्टर के पास भेजेंगे ना, कोई भी आपके पास नहीं आया। कई बार आपके पास तक आया कैसे? ब्लड संस्था वाले को ये बोला। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। अपने जमीन सीमांकन के लिए कृषक पिछले 3 साल से डोंडी तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहा है, जहां लंबे समय बाद किसान की भूमि का सीमांकन तो कर दिया गया, लेकिन उक्त कृषक का केस कापी तहसील कार्यालय में ही गुम हो जाना बताया जा रहा है, जो कि घोर लापरवाही को दर्शा रहा है। ऐसी स्थिति में इस किसान को अपनी भूमि न्याय के लिए आज भी भटकना पड़ रहा है, जिसके कारण यह किसान को खाद बीज एवं कृषि ऋण की समस्या से भी गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में डोंडी ब्लॉक के किशनपुरी के कृषक संतुराम ने बताया कि उन्होंने दिनांक 1 अप्रैल 2016 को डोंडी तहसील कार्यालय में अपनी जमीन सीमांकन हेतु आवेदन लगाया था, तो उक्त तहसील में पदस्थ बाबू ने आवेदन का दायरा पंजी में एंट्री किया था। इसके बाद 2 साल बाद तहसील कार्यालय का चक्कर काटता रहे, लेकिन प्रतिक्रिया के तहत उसके आवेदन पर तालीम नहीं हुआ, जिसके बाद तहसीलदार डोंडी के आदेशानुसार दिनांक 10 जुलाई 2018 को आवेदक संतुराम पिता भागीरथी धोबी का भूमि स्वामी हक भूमि खसरा नंबर 324 रकबा 1.21 हेक्टेयर का स्थल निरीक्षण आवेदन और सीमांत कृषक संतराम प्रीतराम रामजी सुखदेव छबीलाल आदि की उपस्थिति में बताया गया, साथ ही पंचनामा भी तैयार किया गया। अब समस्या यह है कि उक्त कृषक को भी अभी भी सीमांकन प्रक्रिया का आदेश कॉपी तहसील कार्यालय से मिला ही नहीं, और आवेदक आज भी तहसील के चक्कर काट रहा है। इस बाबत जब वक्त दिनांक 28 मई 2019 को पुनः तहसील कार्यालय पहुंचा तो उन्हें बताया गया कि आवेदक के केस कॉपी गुम हो गई, जबकि आवेदक को सीमांकन प्रक्रिया बाद तहसील कार्यालय को 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट प्रदान करना था। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों और किसकी गलती की वजह से यह कृषक अपने भूमि स्वामी हक के लिए 3 साल से भटक रहा है, और जिम्मेदारों की भूमि पर क्या कोई जवाबदेही बनेगी? क्या नए तहसीलदार पुराने बचे ऐसे तमाम केस पर ध्यान आकर्षण रखकर निराकरण कर रहे हैं, जैसे और भी सवाल उठ रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।